दोस्तों आज का जो प्रोजेक्ट है ना वो आपको इतना ज्यादा पसंद आने वाला है। आज उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाली है। विलाज आ रहे हैं, 80 विला आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रहेंगे, गेटेड सोसाइटी जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ खरड़ बस स्टैंड से होता हुआ, आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा, लोकेशन क्या होने वाली है, नियर बाय क्या क्या रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी हम है लांड्रा खरड़ हाईवे पे, बहुत ही अच्छा रोड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बन चुका है, पहले टूटा हुआ था। तो ये है खरड़ वाला फ्लाईओवर, ये खरड़ बस स्टैंड आ गया। अभी हम जा रहे हैं कुराली रोड की तरफ, यहाँ पे बस मिलती है लुधियाना मनाली के लिए, यहाँ से बस मिल जाती है, पंप HP का आपको पता होगा जो आते रहते हैं। तो अभी हम खरड़ बस स्टैंड से कुराली रोड की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये है कुराली हाईवे, जिसे आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे के नाम से भी जानते हैं। अभी हम कुराली हाईवे पे चढ़ चुके हैं, अगर जो हम इस साइड नीचे उतर जाते तो हम लुधियाना हाईवे पे होते। यहाँ से आप सीधा चंडीगढ़ मात्र 20 मिनट में उतर सकते। ये आ गया निर्वाणा स्क्वायर 1, और इस साइड में अमायरा ग्रीन की मार्केट जहाँ पे आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट है सारे के सारे। ये SBC का कमर्शियल आ गया, और इस साइड में अमायरा ग्रीन का टावर आ गया। रियात बारा हॉस्पिटल जो 24/7 ओपन रहता है, तो यानी मेडिकल एमरजेंसी के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। और अगर जो आप अपनी फैमिली के साथ डिनर करना चाहते हैं तो पास में शानदार हवेली ढाबा भी है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ढाबा भी नियर बाय है, कई बार आपकी वाइफ का अगर जो खाना बनाने का मन नहीं है तो ढाबे पे भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है दीप सर, इनसे आपको ही मिलवाएंगे जब आप हमसे ऑफिस में मिलने आओगे, तो इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्यों दीप सर, एक्साइटेड हो हमारी ऑडियंस से मिलने के लिए? बिल्कुल जी, अंदर ही अंदर संग रहे हैं। आ गया रियात बारा पॉलिटेक्निकल स्किल एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों एजुकेशन सेक्टर भी हमारे आसपास ही रहेंगे, पेट्रोल पंप, आपकी मेडिकल इमरजेंसी, शॉपिंग मॉल और आपकी डेली नीड्स से रिक्वायरमेंट, आपके घर के नियर बाय ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। साइड में आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है व्हाइट कलर की, जो पेड़ों के पीछे छुप गई है, वो है दुआबा कॉलेज। तो यानी मेडिकल, एजुकेशन और आपकी शॉपिंग सब ही नियर बाय हो रही है, कनेक्टिविटी तो अच्छी है ही। और ये जो आसपास की लोकल मार्केट है आपके विला के आसपास, ये आपके घर के माहौल को और भी ज़्यादा अच्छा कर देती है, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो ये वातावरण भी आपको मिलना बहुत जरूरी है। तो मनाली की अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ से 288 किलोमीटर सीधा मनाली है, यानी अगर जो आपका आपकी फैमिली के साथ पहाड़ों का प्लान बनता है तो आप डायरेक्टली या फिर बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी ट्रैफिक जैम में फंसे डायरेक्टली मनाली पहुँच सकते हैं। क्या ख्याल है मनाली का नाम सुन के? मेरे को लग रहा है दीप जी भी एक्साइटेड हो गए हैं मनाली जाने के लिए, बट अभी नहीं जाएंगे, पहले हम अपनी ऑडियंस को विला दिखा देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं प्लान। क्यों दीप सर? बिल्कुल। और दोस्तों एक खास बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपके अपोजिट अभी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन एरिया है, और ये पॉपुलर ट्रीज यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो यानी ग्रीन एनवायरमेंट। और दोस्तों ये है फर्नीचर मार्केट, अगर जो आप अपने घर के लिए फर्नीचर लेना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको सेमी फर्नीचर देंगे, तो आप यहाँ से फर्नीचर भी ले सकते हैं, यानी फर्नीचर मार्केट भी आपके घर के नियर बाय है, तो हर एक फैसिलिटी मिलने वाली है। ये आ गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गुरुघर। तो गुरुघर भी आपके घर के पास ही होगा, देख सकते हैं क्या शानदार गुरुघर है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और ये आ गया हमारा परब आसरा ट्रस्ट, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप परब आसरा ट्रस्ट में भी डोनेट कर सकते हैं, यानी डोनेशन भी आपके घर के नियर बाय ही मिल जाएगा। यानी अगर जो आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है और आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ गरीबों को कुछ देना चाहते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी विजिटर्स पहुंच चुके हैं, बहुत सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है, और पूरा टेंट का प्रोग्राम बहुत बढ़िया। यार मेरा तो खाने का मन कर गया, तो दोस्तों पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर आपको विजिट कराते हैं। पेट पूजा होगी क्योंकि खाना जरूरी था। अब मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में विजिट करवाता हूँ, लोकेशन मैंने आपको बिल्कुल सारी की सारी दिखा दी है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बिल्कुल ऑन हाईवे है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा ताकि इसके बारे में हम डीपली नॉलेज ले सकें। अगर जो आप और कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है जो इस वीडियो में हमसे क्लियर नहीं हो पाया, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
सर आपका नाम? शुभम सर। सर आपने प्रोजेक्ट विजिट किया कुराली हाईवे का, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है मेरी नज़रिए में, आपके क्या विचार है इस प्रोजेक्ट को लेकर? सही विचार सर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब अभी इसका रेट भी कम है और इसका बिकेगा ही बहुत अच्छा और बना भी बहुत अच्छा हुआ है। 107 गज में कोठियाँ बनी हुई हैं जो बहुत अच्छी, सर इतनी अच्छी कोठी मैंने आज तक देखी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आई थिंक सर मैं भी पहली बार कैमरे पे आया है तो थोड़ा हेजिटेशन होता ही है, बट कोई नहीं, सर ने अपने रिव्यू दिए कि रेट बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, रेट अभी बहुत कम है क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो प्राइस सर बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस वीडियो में साथ देने के लिए, थैंक यू। हरिदत्त टीम से मेरे साथ तान्या मैम एंड लविश जी हैं, इनकी वीडियो आपने देखी होगी काफ़ी वायरल हुई हैं। आपने प्रोजेक्ट विजिट किया और भी कुराली रोड पे आप ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट विजिट कर चुके हो, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या रिव्यू हैं? पहले चीज़ जो प्रोडक्ट आया है बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है एंड सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल रेंज में है। आजकल लोग मांगते हैं चंडीगढ़ या मोहाली के पास, जो कि बहुत मतलब अनअफोर्डेबल सी चीज़ हो जाती है उन लोगों के लिए, बट ये चीज़ अफोर्डेबल है तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होंगे। प्लस हमने देखा इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बाकी लविश बताएगा। लविश आपके क्या विचार हैं? बाकी मेन बात आती है लोकेशन की, लोकेशन भी मेन हाईवे पे है, नियर टू एवरीथिंग है। मेन चंडीगढ़ भी जाना है तो फ्लाई ओवर कनेक्टिविटी है एंड प्रॉपर ये कि गेटेड सोसाइटी में बन रहा है तो ये चीज़ बेनिफिशियल रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। व्यू दिखाना चाहूँगा आपको, आप देख सकते हैं वो हाईवे है जो आप उस साइड में देख पा रहे हैं, बिल्कुल वाइड हाईवे है, बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और वहाँ पे आप देख सकते हैं विलाज बने हुए हैं, सैंपल विला भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। सर आपने विला देखा है, इस विला को लेकर क्या रिव्यू है? वर्ड ऐसा है कि जो अप्रोच है इस विलाज की और जो कनेक्टिविटी है उसका कंपैरिजन कहीं भी नहीं है, रेजिडेंशियल से कहीं कंपैरिजन नहीं है। ओके ठीक है, और मच जो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हाईवे कनेक्टेड है, बिल्कुल लोकेशन वाइज मतलब सभी ये कनेक्ट हो और आइडेंटिकल एक विलाज बनने वाले हैं जो कि सारे इस एरिया में बनने वाले हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि सेम डिज़ाइन के सेम घर हो रहे हैं और अल्ट्रा रूम साइजेस हैं, मॉड्यूलर किचन है, बहुत अच्छा रूम किचन है, रूम बहुत अच्छे हैं, किचन बहुत अच्छा है, रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं, तो जिस तरह से डेकोरेट किया है वो बहुत परफेक्ट है, तो आज के बजट के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट चीज़ है। बिल्कुल क्लियर भाई, मेनली तो चीज़ यही है कि आपका कनेक्टिविटी साथ में एजुकेशन हब है यहाँ पे सर। बिल्कुल सर, और लाखों लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके लिए इजी अप्रोच है, घर से बाहर जाना, बाहर आपका शोरूम्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। सर ग्रेट पॉइंट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो आपका नाम बता दें। हाय, आई एम तेजल चोद बडवाल एंड आई एम एन आर्किटेक्ट। ओके, एंड आई वाज जस्ट हियर टू व्यू द प्रोजेक्ट एंड आई फेल दैट द स्पेस हैज बीन यूज्ड रियली नाइसली। दैट्स ग्रेट पॉइंट, आर्किटेक्ट हैं तो अच्छा पॉइंट इन्होंने नोट आउट किया है, सबसे अलग पॉइंट नोट आउट किया है और ये भी जरूरी था। और कनेक्टिविटी को लेकर, प्राइस को लेकर आपके क्या विचार हैं? आई थिंक इट्स रियली नाइस एज पर द लोकेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप फ्रंट एलिवेशन देखें, इतना शानदार और यूनिक आज से पहले आपने ट्राई सिटी में नहीं देखा होगा, सबसे अलग कंसेप्ट है। 107 गज इन विला का टोटल एरिया होने वाला है और फ्रंट की बात करूं तो 21.5 फीट का इसका फ्रंट होने वाला है और लुक बहुत अच्छी निकल के आ रही है। और ये अच्छा पॉइंट है कि हर एक विला के बाहर आपको इस तरीके की टाइल का काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है जो आपके विला को एक प्रीमियम लुक देगा। और ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा डिज़ाइन कर दिया जो कि नेचुरल भी है, प्लस एक पॉजिटिव वाइब के लिए एंट्री पे जो आपके घर को एक प्रीमियम लुक देता है। और दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो स्टेयर्स देखें, अच्छी बात क्या है, जो ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप अप है, पहला स्टेप यहाँ पर आ जाता है, दूसरा स्टेप यहाँ पर आ जाता है और थर्ड स्टेप, इवन काफ़ी अच्छी हाइट दे के इस विला को डिज़ाइन किया गया है। पहले तो डोर देखें कितनी यूनिक डिज़ाइन के साथ में, हाइट जो होने वाली है वो 9 फीट की इसकी हाइट रहेगी और ये जो आप हैंडल देख पा रहे हैं ये इस डिज़ाइन के साथ ही इंक्लाइन कर दिए हैं, जिस वजह से इस डोर की लुक और भी ज़्यादा शानदार हो जाती है। और जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं, डोर ओपन करते ही हमारा आ जाता है लिविंग एरिया। दोस्तों बहुत ही शानदार है और मैं आपको वहीं पर खड़ा खड़ा दिखाना चाहूँगा,
डाउन सीलिंग, जो डाउन सीलिंग है उसके अंदर हम आपको कंसीलिंग लाइट दे रहे हैं जो कि आपके घर को एक प्रीमियम लुक देती है। और सबसे पहले तो अब जो ड्राइंग एरिया है वो इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 6 सीटर सोफा इंस्टॉल कर दिया, उसके बावजूद जो वॉकिंग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और ड्राइंग एरिया के साथ में हम आपको विंडो दे रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइट के लिए, बहुत ही अच्छा एहसास आपको होने वाला है। और जो स्विच बोर्ड है आप देखें, स्विच बोर्ड्स हम वुडन के डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, गोल्ड मेडल के ब्रांडेड स्विच बोर्ड हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ये आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया, हमने यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, उसके बावजूद स्पेस अच्छा मिल जाता है। प्लस ये कॉर्नर का विला है तो आपको यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है, और यहाँ पे टफन ग्लास हमने आपको लगा के दिया, और पूरे के पूरे विला के अंदर हम आपको टफन ग्लास इंस्टॉल करके दे रहे हैं। और ये जो वॉल डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये हम आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। इस तरीके से आपका आ जाता है एल शेप का कंप्लीट मॉड्यूलर किचन। दोस्तों मॉड्यूलर किचन आप देखें, जो सनमाइका है वो हमने फ्लोर से मैच करता हुआ सनमाइका यूज़ किया है ताकि एक अच्छी लुक हमारे किचन की निकल के आ सके। और यहाँ पे हम आपको डबल सिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, साउंड प्रूफ सिंक होने वाली है, और ये हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा वेट एरिया। और यहाँ पे हम आपको टफन ग्लास के साथ में ही विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नेचुरल लाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है किचन में। अगर जो मैं आपको इस विंडो को एक बार ओपन करके दिखाऊं तो आप ये जो मैश देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मैश यूज़ किया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार नज़दीक आके इस मैश को हाईलाइट कर दें। ये जो मैश है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है, मतलब हर एक प्रोडक्ट हमने ब्रांडेड क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये हमने यहाँ पे ये जो स्पेस आपको दिया है, आप यहाँ पे एक मंदिर बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे। और अगर जो आप मंदिर नहीं बनाना चाहते, यहाँ पे आप वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं, और हमने यहाँ पे प्रोविज़न दी है ऑलरेडी अंदर इसके, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। जिसको जिस तरीके से इस विला को कस्टमाइज़ करना है वो इस तरीके से कर सकें। हमारे 2 रूम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है गाइज। फुल साइज़ बेड लगने के बाद आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हम आपको वॉल डिज़ाइन दे रहे हैं, ऊपर की तरफ डाउन सीलिंग रहेगी। ये हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और जो टाइल हम इसके अंदर आपको लगा के दे रहे हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगी विंडो जो कि वॉशरूम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये जो विंडो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर विंडो है वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए। ये हमारा आ जाता है वॉशिंग एरिया। दोस्तों ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रखे आप अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉशिंग एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारी आ जाती है फुल लाइट की कबर्ड विद ड्रेसिंग मिरर। फुल लाइट की कबर्ड होने वाली है, बहुत ही अच्छी कबर्ड है ताकि स्टोरेज अच्छी हो सके आपकी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम में। फुल साइज बेड भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, उसके बावजूद जो है स्पेस काफ़ी अच्छा है। और जो टाइल हमने यहाँ पे लगाई है वुडन स्टाइल की टाइल हमने यहाँ पे लगाई है ताकि एक प्रीमियम फील आपको मिल सके। ये आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है, काफ़ी ज़्यादा जब आप उसको रियलिटी में विजिट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। फुल लाइट की कबर्ड है, ये आपका ड्रेसिंग मिरर आ जाता है। यहाँ पे आपका जो लेडीज़ का सामान है बिंदी लिपस्टिक वो यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट के लिए। हम यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टफन ग्लास, ताकि जो बाहर का शोर आपके घर के अंदर ना आए, हर एक तरीके से साउंड प्रूफ रहने वाला है आपका घर। ये आ जाता है अटैच वॉशरूम। फुल हाइट की टाइल्स हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स रहेंगी। और इसमें भी हम आपको विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं जो वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल। दोस्तों ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की ओर लेके जा रहा हूँ। तो ये स्टेयर्स आ जाती हैं, और अभी हमने यहाँ पे ग्रिलिंग नहीं की है, ग्रिलिंग होगी अभी बाकी है। तो ये स्टेयर से जैसे हम ऊपर आ जाते हैं ये मोंटी की लुक आने वाली है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमने इसको दिया है। तो अभी हम यहाँ पे मोंटी में हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाता है। और अब जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जो डोर है दोस्तों, ये जो डोर आप देख रहे हैं फुल हाइट का है, 9 फीट की हाइट रहेगी। और जो डिज़ाइन आपका नीचे था वही सेम डिज़ाइन हम आपको अब ऊपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने किया है। तो जैसे ही हम आते हैं ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है। और यहाँ पर हम टफन ग्लास के साथ आपको विंडो डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आ जाती है हमारी फ्रंट बालकनी जो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बालकनी है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और काफ़ी अच्छी कलर थीम हमने इस पूरे के पूरे विला को दी है। और यहाँ पर भी हमने एक और विंडो दे दी
ताकि आपका घर जो है वो खुला डुला रहे, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन आपको मिल सके। ये हमारा बेडरूम आ जाता है जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला है, और ये किंग साइज से भी बड़ा हमारा बेडरूम रहेगा। अगर जो मैं बात करूं तो जैसे गांव में खुले डुले घर होते थे, उस तरीके का बेडरूम आपको यहां पे मिलने वाला है। एक और विंडो आपकी यहां पे आ जाती है दोस्तों, पूरे के पूरे घर के अंदर इतनी विंडो है ताकि आप एक हवा महल का एहसास यहां पे ले सकें। और ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग पॉइंट एरिया, ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे हम आपको सेपरेट कबर्ड प्रोवाइड करें और ऊपर की तरफ आप अपना एक्स्ट्रा सामान भी रख पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सनमाइका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यह हमारा आ जाता है हमारे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम, जिसकी टाइल जो है फुल हाइट की होने वाली है कॉर्नर टू कॉर्नर, और ये है विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट के लिए। और दोस्तों अभी मैं आपको टेरेस में लेके जा रहा हूँ, जो कि आपके घर की, इस घर की सबसे अहम चीज़ होने वाली है, जहाँ से आपको एक विला का रहने का मज़ा अलग ही आएगा, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ। सर्दियों में तो आपको धूप तो सेकनी है ना, तो धूप सेकने के लिए आपका टेरेस है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खाट बिछाएं, मंजा बिछाएं और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। और इस तरीके से आ जाती हैं स्टेयर्स जहाँ पे हमारा वाटर टैंक आ जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा। ये आपका आ जाता है रूफ टॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो दूसरा विला है उसके बीच में पार्टीशन वॉल नहीं की है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि अगर जो हम वॉल नहीं करते हैं तो कितनी ओपन आपको मिल जाती है। अगर जो वॉल करनी है तो हम कर भी सकते हैं, वो अपनी पर्सनल चॉइस है। 1000 लीटर का वाटर टैंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, और सामने की तरह हाईवे, रनिंग हाईवे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट विजिट आपको करा ही रहा था, विला विजिट, तो सर ने एक पॉइंट और बता दिया जो स्किप हो गया था। सर बताएंगे कि हमारे विला के बैक साइड से क्या कनेक्टिविटी है, क्या है? गाइस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, विला देखो कैसा लगा, विला होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अभी ना मैं सचिन जी को एक ना पॉइंट बता रहा था, जो विलास के लोकेशन के बारे में काफ़ी प्राइम पॉइंट है। फ्रंट पे हमारा रहता रनिंग हाईवे 200 फीट का रहेगा, जो मनाली टू चंडीगढ़ कनेक्ट कर रहा है। एक और हमारी लोकेशन पे हाईवे आ रहा है, गमांडा का अप्रूव्ड हाईवे है, वहाँ पे लैंड रिक्वायर हो चुके हैं। वो आप आगे पेड़ देखोगे, वहाँ से 6 लाइन हाईवे जो निकल रहा है सीधा रोपर टू शंभू हाईवे, शंभू बैरियर तक का एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करेगा ये। आप ये एक्सप्रेस हाईवे है, बेसिकली एक्सप्रेस हाईवे का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, हम जो नॉर्मल हाईवे होते हैं वहाँ पे 60 की स्पीड पे हम गाड़ी चला सकते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पे हम मिनिमम जो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 80-100 किलोमीटर की मिनिमम स्पीड होती है। एक एक्सप्रेस हाईवे होना घर के पास, एक नॉर्मल हाईवे होना फ्रंट पे कमर्शियल होना, वो हमारे घर की लोकेशन को एक काफ़ी अच्छा प्राइम पॉइंट बताते हैं। बाकी के पॉइंट्स आपको सचिन जी बता रहे हैं, इसके साथ ही थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मेजर पॉइंट था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो डबल होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो आज प्राइस बहुत रीजनेबल है, तो आज आप इस प्राइस में अपनी यूनिट बुक करें और फ्यूचर्स का बेनिफिट आप यहाँ पे लें। दोस्तों प्राइसिंग की बात करूं तो 63,90,000 से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। 107 गज के अंदर हमारा ये विला बनाया गया है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।